हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि इस तरह के सेंटेंसेस जहां हम कहते हैं आकर, जाकर, खाकर, बोलकर, पढ़कर, पढ़ाकर, नाचकर, देखकर, लिखकर कैसे बोलना है, यानी इस तरह के सेंटेंसेस जहां हम किसी वर्ड में कर लगा देते हैं, जैसे नहाकर पूजा करो, ब्रश करके चाय पीना, दवा खाकर सोना। तो आइए फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को सीखें। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स, इस लेसन की शुरुआत करते हैं। आइए फ्रेंड्स, पहले इसे छोटा छोटा करके समझें ताकि आपको बात आसानी से समझ में आ सके। अगर लिखा हो खा कर तो आप लिखेंगे आफ्टर ईटिंग, यानी आप आफ्टर के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। जाकर आफ्टर गोइंग, नाच कर यानी आफ्टर डांसिंग, देख कर यानी आफ्टर लुकिंग। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि इस तरह के वर्ड जहाँ आता है आ कर, जा कर, खा कर, बोल कर, पढ़ कर, पढ़ा कर, नाच कर, देख कर, सुन कर, लिख कर, बचा कर, कमा कर, आप आफ्टर के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये छोटी छोटी बात समझ में आई कि जब किसी वर्ड के साथ कर लगा हो तो आप कैसे बोलेंगे। आइए अब पूरी बात को समझें। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो मैं काम पूरा करके सो गया, तो आइए देखें इसको कैसे ट्रांसलेट करना है। मैं यानी आई, सो गया यानी स्लेप्ट, ये सेकेंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट है, जो मैं आपको पार्ट 7 में सिखाया। करके तो आप लिखेंगे आफ्टर, उसके बाद जो एक्शन वर्ड होगी उसमें आप आईएनजी देंगे। काम पूरा करना यानी कंप्लीट, आप लिखेंगे कंप्लीटिंग द वर्क। मैं काम पूरा करके सो गया, आई स्लेप्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क, कैसे ट्रांसलेट हुआ? जो वर्ड सबसे पहले था मैंने उसका इंग्लिश सबसे पहले लिखा और पीछे से एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करते हुए आगे की ओर आया। ये मेरा ट्रिक है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको बात समझ में आ रही है कि इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ आप कहते हैं आने के बाद, जाने के बाद, खाने के बाद, बोलने के बाद, हंसने के बाद, आप आफ्टर प्लस आईएनजी फॉर्म से बोलेंगे। फ्रेंड्स, अक्सर छोटे बच्चों को कहना पड़ता है होमवर्क करके सोना, तो आप कहेंगे स्लीप आफ्टर कंप्लीटिंग द होमवर्क। फ्रेंड्स, अक्सर कुछ शरारती बच्चों को सुबह में ये बात याद दिलानी पड़ती है ब्रश करके चाय पीना, तो फ्रेंड्स अगर आपके भी अगल बगल ऐसे लोग हैं तो आप कह सकते हैं टेक टी आफ्टर ब्रशिंग अप। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो नहाकर पूजा करो या नहाकर पूजा करना, तो आप कहेंगे वॉशिप आफ्टर टेकिंग अ बाथ। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस तरह के सेंटेंसेस को ऐसे भी बोल सकते हैं आफ्टर टेकिंग अ बाथ वॉशिप, यानी आफ्टर प्लस आईएनजी फॉर्म को आप शुरू में बोल सकते हैं, लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कॉमा से सेपरेट करना होगा, यानी आफ्टर प्लस आईएनजी फॉर्म के बाद आपको कॉमा देना होगा। तो मैं आपको कहूंगा कि कॉमा का टेंशन क्यों लेंगे, आप आफ्टर प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज बाद में करें, ऐसा करने से आप कॉमा से बच जाएंगे। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपनी लाइफ में ऐसा कहना होता है खाना खाकर जाना, अक्सर आप ये सेंटेंस सुने होंगे। तो अगर आपको किसी से कहना हो कि खाना खाकर जाना, तो आप कहेंगे गो आफ्टर ईटिंग फूड। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी को कहना हो दवा लेकर सोना या दवा खा कर सोना, तो आप कहेंगे स्लीप आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हो जहां आप कहना चाहें कि कोई काम करने के बाद कोई दूसरा काम करना, यानी पहले ये काम कर लेना तब वो काम करना, आप आफ्टर प्लस आईएनजी फॉर्म के मदद से बोलेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के मदद से भी बोली जाती हैं, जैसे शेर को देखकर मैं भाग गया या नाश्ता करके मैं ऑफिस गया। लेकिन फ्रेंड्स, आफ्टर की यूज और प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल में फर्क है। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप वो वीडियो देख चुके हैं और आपको वो यूज पता है, इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ आफ्टर का यूज बताया। बाय द वे, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वो वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि कर वाली बातें को प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल में कब बोलना है। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह लेसन समझ में आया तो प्लीज आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दें। अगर लिखा हो वॉच दिस वीडियो आफ्टर स्माइलिंग, तो क्या आप बता सकते हैं कि सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ? आंसर जरूर दें, मैं आपके आंसर का इंतजार करता हूं।